अब हर किस्म के जोड़ों के दर्द से मिले छुटकारा। कोई भी दर्द हो, जोड़ों, घुटनों, कमर, हड्डियों या मसल्स का, मोरफास्ट दर्द कम करे फास्ट। मोरफास्ट असरदार तेल कैप्सूल्स और पाउडर में दस्तयाब है। आई नाजिन, अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड से है। जैसा कि चंद दिन कबल यानी चंद महीने कबल एक जो है न्यूज़ काफ़ी वायरल हुई थी सोशल मीडिया पर कि अहमदाबाद के एक सज्जादे साहब ने जो है एक माइनर लड़की का रेप किया, उसे शादी का वादा किया, फिर जो है उसकी शादी नहीं की। इस तरह के कई वीडियोज़ बनते गए, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर। आखिरकार जो है उस सज्जादे नशीन को चंचल गोड़ा जेल भी भेजा गया, उसके ऊपर पॉस्को एक्ट लगाकर उसके ऊपर जो है केस भी दर्ज किया गया। फिर हुआ यूं कि जो है चंद दिन जेल में रहने के बाद फिर वो बेल लेते हैं, फिर जेल से बाहर आ जाते हैं। अब मुबैना तौर पर यूँ सुनने में आ रहा है कि सज्जादे पाशा से जो है किसी ने 50 लाख का डिमांड किया है तो किसी ने 25 लाख का डिमांड किया है, जिसमें कुछ रिपोर्टर भी शामिल है। तो भला रिपोर्टर साहब कौन है, उसका पर्दाफाश हो जाएगा थोड़े दिन में, क्योंकि आप भी बाखूबी समझते हैं जब इस तरह के वारदात होते हैं तो रिपोर्टर बड़े एक्टिव हो जाते हैं। और दूसरे जब क्राइम वगैरह होते हैं तो जब उनके चैनल पे कोई न्यूज़ नहीं आती, लेकिन ऐसे केसों को लेकर बड़ा जोश में आ जाते हैं और लाखों रुपए की डिमांड भी करने लगते हैं। वहीं पर जो लड़की के साथ गलत हरकत की गई थी, वो लड़की के वालिद जो है आज आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड जाकर जो है एक मेमोरेंडम देते हैं और ये कहते हैं कि वहाँ के सज्जादे नशीन को हटाना चाहिए, पोस्ट पर ऐसे इंसान को नहीं रखना चाहिए जो कि चंचलगुड़ा जेल में जेल काट कर आया है। तो वहीं पर आईपीएस वक्फ बोर्ड सीईओ शिरीन ने ये दिलासा दिया है कि हम ऐसे इंसान को वहाँ से हटा देंगे। खैर बहरहाल उनको भी समझना चाहिए कि आखिरकार इसके पीछे गेम क्या हो रही है, क्योंकि लड़की के वालिद ने जो है मीडिया के सामने आकर अपना स्टेटमेंट भी दिया है। अब ये लड़की के वालिद की भी दूसरी शादी है और लड़की के वालदा की भी दूसरी शादी है, ये इनकी औलाद तो नहीं है, यानी निकाह कर लिए तो इनको अपने आप औलाद मिल गई, यानी रेडीमेड कह सकते हैं या तो फिर पहले के वालिद साहब की औलाद कह सकते हैं। इनकी औलाद तो नहीं है लेकिन इनके वालदा से निकाह किया तो ये वालिद बन गए और मीडिया के सामने आकर जो है बड़े ही जोश व खरोश में ये स्टेटमेंट देने लगे। अब इसमें तहकीकात होनी चाहिए कि हकीकत में जो है इन लोग ने पैसे का डिमांड किया है या नहीं किया है। तो बहरहाल जो भी हो, जब सज्जादे नशीन शादीशुदा है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि कितने की शादी कर चुके हैं, इस बात का इल्म पहले से ही आपको था तो फिर दोबारा जो है आपने उनसे शादी करने का ख्वाब क्यों देखा था, कहीं ना कहीं ये भी एक सवाल उठता है। वैसे बारगाव में अक्सर आप देखते होंगे कि सज्जादे नशीन पैसे वाले होते हैं। सज्जादे नशीन तो बहुत दूर की बात है, जो बारगाँव के पास फूल की दुकान पर बैठकर फूल बेचते हैं वो लोग भी लखपति और करोड़पति होते हैं, क्योंकि ज़ाहिरीन वहाँ पर आते हैं, सौवों के हज़ारों रुपए के फूल खरीद कर बारगाह पे चढ़ाते हैं। तो जाहिर सी बात है वहाँ पर फूल बेचने वाला भी जो है पैसे वाला होता है। ये साहब तो जो है सज्जादे नशीन है। अब इन्होंने गलत हरकत की या नहीं की इसका फैसला कोर्ट करेगा, लेकिन कंप्लेंट के तहत इनको जो है जेल भेजा गया था, फिर वहीं पर कानूनी कार्रवाई के जरिए जो है ये बेल लेकर जेल से बाहर भी आ गए। उनका केस इस वक्त अदालत में चल रहा है, लेकिन पता नहीं फिर भी क्यों बार बार जाकर जो है एक एक मेमोरेंडम पेश कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं जो पैसों का डिमांड किया था वो बात सच है या गलत है, आने वाले वक्त में अपने आप पता चल जाएगा। तो आइए ये लड़की के वालिद वालदा क्या कह रहे हैं और वक्फ बोर्ड में किस तरह से जो है इन्होंने कंप्लेंट दी वो भी हम आपको दिखाते हैं। मसाइल बयान किया हूँ और कंप्लेंट दिया हूँ शिरीन मैडम को। मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोग जो सज्जादे के नाम ख़राब करते हैं, उतने बड़े मुक़दस मुक़ाम पे बैठे हुए हैं, ऐसे वहाँ पर ऐसे लोग बैठना जो नेक मुत्तकी परहेज़गार तहज्जुद गुज़ार बैठना है, ये ऐसे लोग बैठ के हमारे मज़हब का नाम, हमारे जो कौम का नाम बदनाम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को तो वहाँ पर एक सेकेंड भी बर्दाश्त नहीं करना। मैं यही आंध्रा वालों से यही गुजारिश करता हूं कि ऐसे आदमियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं और ये लोगों को जो है वहां बैठने का मौका ना दें, ताकि ये लोग जो है हमारी कौम का नाम बदनाम कर रहे हैं और गलत हरकत कर रहे हैं। मैं आंध्र प्रदेश के वक्फ बोर्ड से और चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करता हूं कि आप हक का साथ दें और सही गाइडेंस करें और जो है ऐसे लोगों को वहाँ से बतरफ कर दें। और हम लोग जो है
उसके खिलाफ रिट पिटीशन हाईकोर्ट में डाल रहे हैं, आंध्र प्रदेश के हाईकोर्ट में डाल रहे हैं। और मैं चाह रहा हूँ कि ऐसे लोग वहाँ पर ना बैठें, हमारे कौम का नाम बदनाम ना करें। अल इमरान आर डब्ल्यू स्कूल बाई अल इमरान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइडिंग योर चिल्ड्रंस एसएससी एंड सीबीएसई सिलेबस विद हिज कोर्स। वी फोकस ऑन मेमोरी डेवलपमेंट एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ अवर स्टूडेंट्स। We provide robotics, coding, decoding and animation classes to sharpen the young brains. Build your children's bright future now. Hamara maqsad hai hamare students ko duniya aur aakhirat ke liye taiyar kar kamyab karna. Admissions are open for nursery to 10th classes English medium. Al Imran RW School, building bright futures of students since 2018. Address Toli Choki and Medipatnam, Pillar No. 102, Hyderabad. Contact on the numbers given on screen.